कितना मना किया था कि ये फार्म हाउस मत खरीदिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। देखो, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। कहां मिलेगा इतना बड़ा फार्म हाउस और वो भी इतने सस्ते में? सोचिए तो, उसने इतने सस्ते में क्यों बेचा? होगा कोई भूत वूत में विश्वास रखने वाला। आप तो ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ ना। बस एक महीना और, फिर मम्मी पापा आ जाएंगे। तब तक तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा ना, डर लगता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए अच्छा सोचो। बाय। एक्चुअली मेरे करोड़ों रुपए कमाने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हार्ड वर्क तो मैंने कभी नहीं किया, मेरा दिमाग नॉलेज बस यही काम आई कि मैंने इतना पैसा कमाया। मैंने बहुत बेइज्जती सही, बहुत मुश्किल है। बस कर, ये कब से खड़ा है कोर्ट लेने के लिए? कोर्ट दे इसका, बेचारे की रोने वाली शक्ल हो गई है। मैं देने ही वाला था,
एक घंटे में देने वाले थे, तीन दिन हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे हो। दे इधर। मैं देने ही जा रहा था कि वो आ गया। ए, ए, ये घर पे इंटरव्यू के नाटक बंद कर, सिटी सेंटर मॉल जाकर टोकन देने वाली जॉब का इंटरव्यू दे। मैं ऐसे छोटे काम नहीं करूंगा, बस एक बड़ी मछली फंस जाए फिर बन जाऊंगा करोड़पति, यही मेरा टारगेट है। इतना मारूंगा कि टूटी हड्डियां जोड़ने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कौन सा काम करके बनेगा तू करोड़पति? कौन देगा तुझे काम? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। वो कौन सी जॉब देंगे तुझे? मैं कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करूंगा, हर हॉट सीट पर बैठकर शान से आंसर दूंगा और टशन में कमाऊंगा 1 करोड़, देख लेना। ए, हमारे स्टेट का गवर्नर कौन है? कोई ना कोई तो होगा ही। कुछ नहीं आता, केबीसी में जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग में जोर डाल। आप क्या किया तूने? वो तुझे क्यों डांट रहे थे? भाभी इतिहास गवाह है, महापुरुषों ने हमेशा बड़ों की डांट खाई है, पर आखिर में जीत किसकी होती है? उन्हीं की होती है। देखना मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा तो सबकी बोलती बंद। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ जानता हूँ क्या लाना है। ए, रोक रोक गाड़ी रोक। ऐसा कब देगा? चुप भाई, ऐसे कब देगा बे? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं पक्का लौटा दूंगा भाई। क्या बे? हाँ भाई। पैसे लेने के लिए तो बड़ा हीरो बन के आया था, पैसे देने का समय आया तो पूछ अंदर कर ली, निकाल पैसे। भाई पैसे मैंने लिए थे लेकिन अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए, लेकिन उसने अब तक वापस नहीं किया। भाई भाई मारना नहीं है। ओ दे ना दे तू दे, वरना हमें पैसे निकलवाने आते हैं। क्या समझा? सीधे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा घसीटते हुए, किडनी बेच के पैसे वसूल करूंगा। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं पक्का पैसे दे दूंगा, प्लीज प्लीज भाई। अबे राजू भाई, बोल कब देगा, कब देगा, बोल कब देगा पैसे, बोल बोल कब देगा? कमीने राजू। ए, ए, मेरे 1 लाख रुपए कब देगा तू? अरे ये चोट कैसे लगी? पीकर लुढ़क गया था क्या कहीं? अबे नहीं बे, यादव ने मारा मुझे, कह रहा था किडनी बेच देगा अगर पैसे वापस नहीं किए, बिना किडनी के कैसे रहूंगा मैं। आइडिया तो अच्छा है। क्या? किडनी बेचकर 10 लाख मिलेंगे ना, 1 लाख उसे दे देना, 9 लाख बचेंगे, उसे तू अपने पास रख लेना, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। किडनी बेचकर 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसके पैसे उसको दे दू, बाकी मैं रख लूं। और क्या? एक काम कर, भाड़ में जा तू, दोस्त के नाम पे कलंक है तू। ओए तू टेंशन मत ले और ना मुझे दे, जल्दी हम लोग 1 करोड़ कमाने वाले हैं, आजा। चल देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में, जाने का प्रोसेस क्या है। अबे एंट्री की प्रोसीजर पता नहीं है और 1 करोड़ रुपए जीतने की बात कर रहा है इतने कॉन्फिडेंस से, किसी की नजर ना लगे। अब ये क्या है? ओपन चैलेंज, साबित करो कि भूत है या नहीं, अगर साबित कर दिया तो मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान और भूत दोनों होते हैं और कुछ का मानना है कि यह भ्रम है। यह बहस 100 सालों से चली आ रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर श्री केएल नारायण ने साइंस वर्सेस घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसके लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो संपर्क करें इस एड्रेस पर, केएल नारायण जुबली हिल्स। मिल गया 5 करोड़ जीतने का रास्ता, चल मेरे साथ। कहां? तुम्हें ने फोन किया था? इंटरनेट पर पढ़ा था कि आप उसे 5 करोड़ देंगे जो साबित करेगा कि भूत है। सर एक बात पूछूं, ये साबित होने से आपको क्या मिलेगा, आपका क्या फायदा, आप पैसे क्यों दे रहे हो सर? ये बात पूछनी थी। दरअसल जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मेरे सब्जेक्ट में से कम सवाल पूछे जाते थे, और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि दुनिया में भूत या सुपर पावर्स होती हैं या नहीं। साइंटिफिकली ये बात साबित करने के लिए हिमालय पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, काशी के संत और गुफाओं में अघोरीज ने की, बल्कि मैंने भी बहुत सारे भूत प्रेत देखे, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जब जब ख्याल आया जाने दो, हर बार मन ने कहा कि भूत होते हैं। बाप रे, मैंने सुपर नेचुरल पावर्स पर यह किताब भी लिखी है। ये सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि भूत होते हैं या नहीं, और मुझे चैलेंज करता है कि मैं ये जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने एक फैसला किया, अमेरिका की रैंडी संस्था की तरह भारत में भी एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की जाए, इसलिए मैंने यहां साइंस वर्सेस घोस्ट की स्थापना की, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई इनाम के लालच में आकर सच में साइंटिफिक सबूत जुटाकर यहां आ ही जाएगा। किस तरह का सबूत चाहिए आपको?
फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस, एनीथिंग। सर, भूत होते हैं, मैंने कई बार देखे हैं, मैं आपको सबूत लाकर दूंगा। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, पर जानते हो वो सिर्फ ग्राफिक्स लाए। ये देखो रैक्स में ढेर लगा हुआ है। अच्छा सर, आप 5 करोड़ रुपए कैसे देंगे, चेक में या कैश में? ट्रांसफर करवा ले। और TDS काटेंगे तो मैं GST का बिल दूंगा। तो डील पक्की सर, चलते हैं सर। सर, सबूत लाने के बाद मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? मजाक? मजाक क्यों उड़ाएंगे? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, चल जल्दी चल, मैं कैसे भी करके भूत को पकड़ लूंगा। हाँ, भूत खुद चल के आएगा ना। अमावस्या की रात को 12 बजे पैदा हुआ था मैं, मुझे भूत पक्का दिखेंगे। लेकिन प्लान क्या है भाई तेरा? कैमरा लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, फटाफट फोटो खींचेंगे, प्रिंट निकलवा कर प्रोफेसर को देंगे, काम खत्म। हाँ, भूत माल्या की मॉडल्स है ना, बड़ा आया। चुप कर, जो पैसे मिलेंगे उसमें से 10 लाख दूंगा, अपना उधार चुकाने के बाद बाकी पैसे उधार पर दे देना। अरे यार, पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, पर सोच के मजा आ रहा है कि अनसेंसर्ड वीडियोस देखने का घर पे मजा लूंगा, वो भी 5D पर। हाँ, तो तैयार रहना, हम 10 बजे कब्रिस्तान जाएंगे। क्या कहा? मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊंगा? अरे भूत को पकड़ने, और क्या। ए भाई, इस मामले में मुझे बख्श दे, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। मैं तो अपने दादा के क्रियाकर्म के लिए अभी कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। नहीं जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, बोला ना नहीं। 1 लाख दूंगा बस। अरे नहीं यार, ये तो गलत बात है। तो सुन, साथ चलेगा तो पैसे में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो जाओ उस यादव के पास, चटनी बनाएगा तेरी। कैसा दोस्त है ये, किस्मत ही खराब है मेरी। प्रैक्टिस करती रहो बेटा, ठीक है ना? तो चलो करो, करो ना। मधु को बुलाओ, इसे तो लिखना नहीं आता, फिर ये किसने लिखा? आज का हमारे ये शो समाज में व्याप्त अंधविश्वास के ऊपर है। प्रजा चैतन्य वर्धी एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंधविश्वासों को दूर करती है और उनमें जागरूकता लाती है। जिन्होंने संस्था को खड़ा किया है वो है मिस्टर राजा रेड्डी साहब। नमस्ते सर, मेरे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैंने सुना है कि प्रजा चैतन्य वर्धी के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया, इन सब के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? मैं एक गांव में पैदा हुआ। मेरी बड़ी बहन को बचपन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। उन दिनों मेरे पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था, उन्हें लगा उसके अंदर भूत है और वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने भूत भगाने के चक्कर में छड़ी से मार मार कर उसे बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी बहन बहुत रोती थी। कुछ दिनों बाद उसने सुइसाइड कर लिया और वो मर गई। मैं बहुत दुखी हुआ, उसकी मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। जहां तक इन अंधविश्वासों का सवाल है, ये ज्यादातर गांव और अनपढ़ लोगों के बीच में ही होता है ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यही तो हमारा भ्रम है। 2 रुपए के नींबू पर कुमकुम लगाकर 2000 में बेचते हैं ये तांत्रिक और खरीदते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अंकल, इंटरव्यू कमाल है। हाय बेटा। हाय डैडी। हाय। जिम खत्म नहीं होगा तुम्हारा? तभी तो इसका नाम जिमर है। इस बार बॉडी बिल्डिंग में स्टेट चैंपियनशिप जीतूंगा प्रिया। पहले ही 3 बार फेल हो चुका है। इस बार दिखा दूंगा ब्रो। लो आ गई तुम्हारी माँ। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में भूत है
और उसके चक्कर में मम्मी के लिए उपाय भी करते रहते हैं। मैंने प्रार्थना की है आपके घुटने का दर्द चला जाए, आरती लीजिए। अरे घुटनों का दर्द तो धीरे धीरे दवाइयां लेने से ही दूर होगा, भला ये पूजा पाठ से कोई दर्द जा सकता है? कब समझोगी तुम ये बात? आपके घुटनों के दर्द के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, समझते क्यों नहीं? मैंने हजारों लोगों के अंधविश्वास को दूर किया है, पर पिछले 30 सालों में तेरी माँ के अंधविश्वास को दूर नहीं कर पाया मैं। आरती मम्मी के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। हाँ घर की शांति के लिए। इस कब्रिस्तान में हमारी ही कब्र ना खुद जाए। ओए मैं हूँ ना। क्यों, मेरी कब्र पर मिट्टी डालने के लिए? नौटंकी बंद कर और चल। एक बार और सोच ले यार, डर के मारे जान निकली जा रही। अरे जीजा जी, तुम यहाँ कैसे? ये गले में हेडफोन्स, हाथ में कैमरा, ये वायरस आ रहे, नए फार्म हाउस में क्यों नहीं आए तुम? मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया जीजा जी। बिजी थे? कौन सा काम कर रहे हो जो इतने बिजी हो? अच्छा सुनो, टाइम निकाल कर घर आओ कभी, तुम्हारी बहन याद कर रही थी। ठीक है जीजा जी, इसको भी साथ ले आना। जी बाय। चलो बाय। बाय। चलो तू आगे चल। ओए डर क्यों रहा है? अबे तूने क्या मुझे अपने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए? ये कब्रिस्तान है। थोड़ी हिम्मत रखेगा ना, माँ लक्ष्मी बरसेंगी तुझ पर। लक्ष्मी माता का तो पता नहीं, लेकिन लगता है भूत जरूर बरसेंगे यहाँ पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सती लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जावे नाम सुधारे। उल्लू है यार, चल। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है यार, मत जा प्लीज। अरे मैं सच कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। भूत ने मारा, तुझे क्या हुआ? भूत पेड़ों पर लटकते हैं। अच्छा? हे भगवान, मुझे तो लगा था कि पेड़ों पर सिर्फ फल लटकते हैं, भूत भी लटकते हैं पेड़ों पर। मैं तो खुशी खुशी पार्क में पेड़ों के नीचे घूमता था, और अब तू मुझे कब्रिस्तान में पेड़ों के नीचे घुमा रहा है। ओ भूत राजा, दिख भी जा, 100 नारियल दूंगा तुझे। मिल गया, मिल गया। ओ, 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 ये तो कोई पागल है। देख यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, चल दूसरे कब्रिस्तान में चलते हैं। अरे ऐसे कितने कब्रिस्तानों में घुमाएगा तू? अगर प्लॉट खरीदना है तो यहीं पर खरीद ले। अच्छा देखिए, ये बाबा लोग कैसे जादू दिखाते हैं, जरा देखिए कैसे मैं अपने पेट से शिवलिंग निकालता हूं। यह है उनकी सिंपल सी ट्रिक, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ है जो उन्हें भगवान समझती है। बाबा ये सब करने से पहले माहौल बनाते हैं, एक दो बार पानी पिएंगे ऐसे, फिर मुंह से पानी पहुंचने के लिए वो लोग रुमाल के अंदर ऐसा एक शिवलिंग रखकर अपने मुंह के अंदर डाल देंगे ऐसे, फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्हें जोर से उल्टी आ रही है ऐसे। अब तीसरी बार में वो अपने मुंह के अंदर रखा शिवलिंग बाहर निकाल लेंगे। That's it. अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत है तो मुझे फोन कीजिए, मैं आऊंगा, मैं आपके घर में ही रहूंगा और ये साबित करके ही वापस जाऊंगा कि वहां कोई भी भूत नहीं है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। ये राजा रेड्डी की स्पीचेस कमाल की होती है। ये जो कहते हैं वो सच होता है? 100%। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, रात में मुझे किसी की चीखने की आवाजें आती हैं, रात भर सो नहीं पाती, मुझे लगता है हमारे घर में भी भूत का साया है। सपना, नई जगह है ना, शुरू शुरू में ऐसा लगता है। मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, चलता हूँ। बाय।
प्लीज इन तांत्रिकों के पास मत जाइए, भूत जैसा कुछ नहीं होता। इस घर में कुछ तो है, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। मैं काम नहीं करूंगा, आप मुझे पगार भी बहुत कम देती हैं। अरे ऐसा मत करो, प्लीज काम मत छोड़ो, मैं तुम्हारा पगार बढ़ा देती हूँ ना। ठीक है, अब नहीं जाऊंगा मैडम। बहुत डर लग रहा है, अब जल्दी आ जाइए। भैया एक चाय और सिगरेट देना। अरे देता हूँ ना। क्या बात है, नया हेयर स्टाइल है? अभी आज ही बनाया अंकल। पेपर वाला कहाँ है? वो पेपर देने फार्म हाउस जा रहा था, रास्ते में अचानक पेड़ हिलने लगे। क्या कह रहे हो? वहाँ भूत है, वहाँ से वो जैसे तैसे भाग गया। पता है आपको, वो इतना डर गया कि बेचारे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ भाई साहब। हाँ वहाँ पेड़ पर भूत था? हाँ। कहाँ है ये जगह? वो जो हाईवे पर लेफ्ट साइड पर एक फार्म हाउस है ना। अच्छा वो फार्म हाउस। हाँ। नाम क्या है? नाम है आनंद भारती। आनंद भारती निवास। हाँ, आनंद भारती निवास। अरे भाई तुम मेरी जिंदगी में साक्षात भगवान बनकर आए हो, तुम्हारा एहसान में जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। भैया सुनो, इसके पैसे भी मैं दूंगा, लिख लेना ठीक है। पहले अपना पैसा तो दे, दे, दे। अरे इतना तो यकीन रखो, पैसे के लिए किसी पे भरोसा नहीं करता। अजीब पागल है भाई, जाने तो मैं दे दूंगा। एक हफ्ते बाद आऊंगा, सारा हिसाब चुका दूंगा। तेरा ठेला ना खरीद लिया ना तो नाम बदल दूंगा। देखेंगे। नरसिम्हा कहाँ है रे तू? कब्रिस्तान में। क्या हुआ? हम अभी दीदी के घर जा रहे हैं। ये भोले शंकर कृपा करना, घर में भूत ना हो, मैं नंगे पैर अमरनाथ की चढ़ाई करूंगा। मुझे बचा ले स्वामी, इस जन्म में तो ठीक है लेकिन अगले जन्म में ऐसा दोस्त मत देना स्वामी। अरे मेम साहब, मैंने बर्तन मांज दिए हैं, सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? कमरा साफ कर दो फिर चली जाना। ठीक है मेम साहब। दीदी। दीदी कैसी हो? अच्छा अब याद आई, गृह प्रवेश पर बुलाया था तो क्या कहा था? इस खंडर जैसे घर में इतनी दूर तक कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मौसी ने बताया मुझे। मैंने ऐसे कब कहा? सीरियल देख देख के वो हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताने लगी है। मैंने ऐसा नहीं कहा दीदी, अपने शहर से दूर फार्म हाउस खरीदा है, पोल्यूशन भी नहीं है, एकदम शांति है, मैंने तो ये कहा था। कैसे आना हुआ, पैसे चाहिए क्या? बेइज्जती मत कीजिए जीजा जी, मैं अपनी बहन से मिलने आया और आप है कि छह। चल अब नौटंकी बंद कर, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है जीजा जी। कितने दिनों से कह रही हूँ कि ये नल ठीक करवा दो लेकिन सुनता कौन है। दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं एक हफ्ता यहीं रहूंगा, नल वाल सब ठीक करवा दूंगा ठीक है। एक हफ्ता? हाँ। नल ठीक करवाने में एक हफ्ता? अरे और भी तो काम होंगे जीजा जी। सुनिए गीजर नहीं चल रहा है, खराब हो गया है, उसे भी ठीक करवाना है। ये सब काम जिया जी को मत कहो। जिया जी आप आराम से पेपर पढ़िए, मैं पूरे हफ्ते यहीं पर हूँ, घर के सारे काम पूरे करवा दूंगा ठीक है दीदी। ये तेरे एक हफ्ते का क्या मामला है? अरे कुछ नहीं दीदी, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है तो सोचा एक हफ्ता यहीं रुक जाऊं। हाँ ठीक है, इसी बहाने यहाँ रहेगा तो सही। वैसे भी ना मुझे इस घर में अकेले बहुत डर लगता है। अच्छा यहाँ तो अपनी बहन से मिलने आया है। कैसा लगा नया घर दीदी? अब क्या कहूँ, सोचा था यहाँ खुशी से रहेंगे लेकिन खुशी नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, आप कुछ कह रही थी कि आपको डर लगता है? कुछ है यहाँ, रात को ना किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। और आपको सुनाई देती हैं? हाँ उन आवाजों को सुनकर लगता है कि घर में भूत है। आपको लगता है तो हो गई,
तू क्यों खुश हो रहा है? नहीं नहीं टेंशन में हूँ। दिख रहा है कितने टेंशन में है तू। अरे क्यों मार रहा है यार, अरे क्यों मार रहा है, चैन से सोने देना। क्यों चिल्ला रहा है? अलार्म क्लॉक है, आवाज नहीं करता, हाथ से उठाता है। अलार्म है क्या? जीजा जी ये क्लॉक ब्राजील से लाए थे। ब्राजील से? जब वक्त ही बुरा चल रहा है तो किसी को बोल के क्या फायदा। हे भोले शंकर, याद है ना मैंने कहा था भूत नहीं हुआ तो मैं अमरनाथ की चढ़ाई करूंगा। सुन, सभी सो रहे हैं, ये सही वक्त है, चल भूत को पकड़ते हैं। चलना चल। अगर पता होता कि 1,00,000 के चक्कर में ये सब झेलना पड़ेगा तो मैं कभी उधार लेता ही नहीं, फंस गया इसके चक्कर में आके। ये और इसका भूत बकरा बन गया मैं। ये भूत नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस है, बस एक बार दिख जाए। कौन कब देगा? वहां जाकर उस यादव की मार खाने से तो अच्छा है, यहाँ रहकर एक ही बार में मैं मर जाऊँ। चल आ रहा हूँ ना। हे उधर उधर, कहाँ है, कहाँ पर है? चल 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 चल, अरे कहाँ लेके जा रहा है? वो देख भूत, बचाओ। क्या हुआ? वो देखो। ओ तो वो तुम थी। ओए, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब, ये मुझसे फोन में गाने डाउनलोड करवाने आई थी। गाने डाउनलोड करवाने आई थी? हो गए डाउनलोड? करने ही वाला था लेकिन आप आ गए और नेटवर्क चला गया। ए, दीदी को बताऊं क्या? नहीं नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेम साहब को मत बताना। इस गधे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो ये अपना हाथ काट लेगा। साहब, मेरे पति को पता चला तो मुझे मार डालेगा, मुझे माफ कर दो। वाह रे भुक्कड़, वो लगती है आलू, तू लगता है रतालू, ये क्या कॉम्बिनेशन है? साहब, आलू का रतालू के साथ पकाओगे ना बहुत मीठा लगता है, आप भी कभी लेके देखो ना। मुझे लगा था रात को भूत पकड़ ही लेंगे, पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। मुझे लगा था कि मेरी मौत पक्की है, बाल बाल बच गया। सुन, मैं दुनिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जा जाकर दरवाजा खोल। और मैं ब्रह्मांड समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तू जाके खोल। अरे जा ना, दरवाजा खोल। ए, जाता हूँ जाता हूँ, मैं खोलता हूँ ना। आप? हम प्रजा चैतन्य वरिधि से आए हैं, यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप? हम प्रजा चैतन्य वरिधि से आए हैं, यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप? कितनी बार बताएं? कान में हड़ताल लगती है। सर आप, आपका यहां कैसे आना हुआ? आइए ना अंदर। अंदर चले। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं आपके सभी प्रोग्राम्स देखता हूँ। सपना देखो तो कौन आया है। सर आपकी पूरी टीम यहाँ? हमें किसी ने फोन करके बताया कि इस घर में भूत है। फोन? सपना, मैंने नहीं किया। नहीं सर, हमने तो नहीं किया। ये G69/3-29 मिर्चैली है ना? एड्रेस तो यही का है, पर किसी ने फोन नहीं किया। यही एड्रेस बताया था,
और लैंडलाइन से फोन किया था। लैंडलाइन? हाँ। पर घर का तो लैंडलाइन खराब है। क्या? सॉरी, शायद कुछ गलत फहमी हुई है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं सर। सर वन मिनट। हाँ? ये सच है कि फोन हमने नहीं किया था, पर इस घर में भूत जरूर है। रॉन्ग कॉल बट राइट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। आपने जो भी बताया उसे सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? तो आप भूत देख सकती हैं। असल में ये हमारे दिमाग का ही खेल है, इल्यूशंस। पर बेड का हिलना और किसी की चीखें सुनाई देना, ये सब क्या है? इन सब की कोई ना कोई तो वजह होगी। हमें वो वजह पता नहीं होती, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई भूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी भी पेपर में पढ़ा होगा कि पेड़ में से कुछ आवाजें सुनाई दी। लोगों को लगा कि वहां कोई ताकत है और उन्होंने उसे पूजना शुरू कर दिया। पर बाद में पता चला कि वो आवाजें जमीन के नीचे पानी के बहाव की वजह से आ रही थी। यहां की आवाजों की भी कोई वजह होगी। जहां से आवाज आती है हमें दिखाइए, अभी पता चल जाएगा। अभी नहीं, रात को 12:30 के बाद सुनाई देती है। ओह ठीक है, तो हम रात में आते हैं। एक मिनट सर। हाँ? आप जाएंगे फिर वापस आएंगे, इससे अच्छा आप यहीं रुक जाइए अगर आपको एतराज ना हो तो। ऑल राइट। एक मिनट सर, आप ये साबित करने आए हैं कि यहाँ भूत नहीं है, पर सच ये है कि यहाँ भूत हैं। मतलब? मेरा मतलब यहाँ के भूत बहुत खतरनाक हैं। ए तू चुप कर, आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। हाँ ए, इन्हें बाहर ले जा। क्यों, लड़की को तू घुमाएगा? चुप कर बेवकूफ। आइए दीदी। हाँ? आप आराम कीजिए, मैं इनको गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। आप जाइए। ठीक है, आप आइए। आइए ना। तो हम चलें? आज यहीं रुकना होगा, मुझे कल रिकॉर्ड सबमिट करना है। कल करना है ना, आज हमारे साथ यहीं रुक जाओ। ओके। आइए चलें। अरे बाप रे, इतना सामान क्यों उठाया हुआ है? मैंने कहा सामान उठाया है? हाथ में फोन, लैपटॉप, बैग, मुझे दे दीजिए। इट्स ओके। लाइए मुझे दीजिए। इट्स ओके। अरे वाह, आप तो बहुत महान है मैम। आजकल तो लोग अपना काम दूसरों को देकर खुश है और आप मुझे मना कर रही है। सच में आप बहुत महान है। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? एक तो तारीफ करो, ऊपर से बातें सुनो, नहीं करता। हाँ? ये देखिए हमारा गेस्ट रूम। चलो निकलो अब, हम चले जाएंगे। सुनिए, आपको कुछ भी चाहिए हो किसी से कहने की जरूरत नहीं, मुझे बता दीजिएगा, मैं राजू हूँ। हमें नाम जानकर क्या करना है? ताक लिया, बस ताकते ही रहना। मुझे उन नमूनों के बीच फंसाकर खुद लड़की लेकर निकल गया। ए नरसु, वो इतनी सुंदर क्यों है बे? जब मैं उसे छोड़कर वापस आ रहा था तो मुझे लगा किसने मुझे जोर से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, क्या खुशबू थी यार। क्या बोला? खुशबू, ऐसा लगा जैसे वादियों में पहुंच गया। सब भाग जाएंगे जब रात भर भूत ढूंढते हुए भटक रहा होगा। अरे यार वो लड़की। बेटा सुन, मैं जा रहा हूँ सोने, तू और वो लड़की दोनों जाओ भाड़ में, मैं तो चला। कमाल है यार। ये लो कैच। चलो बेटा चलो, हम दोनों खेलते हैं। हाँ दो। लाओ बॉल मुझे दो। जाओ तुम लेके आओ। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। चलो अब इसको पकड़ के दिखाओ। ए अरे बल्ले 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 बल्ले। सुनो मैं चेयर लेके वहां बैठ जाऊं? मतलब मतलब
तुम्हें यहाँ वहाँ आने में तकलीफ हो रही होगी ना? क्या क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। कुछ और उठाना हो तो उठा लो। नहीं 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 नहीं। चल भाग यहाँ से। हाँ। उल्लू। उदय बाबू, घर तो बहुत ही अच्छा है। वॉकवे, स्विमिंग पूल और एकदम शांत जगह। तुम तो बेकार ही डर रहे हो कि यहाँ भूत है। मैं तो कब से कह रहा हूँ, पर ये मान ही नहीं रही। क्या ये सच है? सिर्फ मैं ही नहीं सर, पेपर वाला भी डर के मारे यहाँ आ नहीं रहा है। और वॉचमैन ने भी रात को यहाँ पर परछाइयाँ देखी हैं सर। तुमने क्या देखा है बताओ? रात को देखो तो परछाई घूमती है, पर होता कोई नहीं है। तुमने परछाई घूमती देखी फिर भी यहाँ से गए क्यों नहीं? मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई तब कहीं जाकर ये रुका। ये लो, तुमने तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो इसे रोज रोज भूत दिखाई देगा, हर हफ्ते तनख्वाह बढ़वाएगा ये। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर, मेम साहब के साथ 3 सालों से काम कर रहा हूँ। जाओ जाकर काम करो। चलो। सुन खरबूजे, ये जूस मुझे दे और तू जा यहाँ से। चलो। जाओ मारो चांस, ऑल द बेस्ट। समझ गया ना? चलेगा, चल जाए अभी। अरे ये तो अजीब पागल बॉडीगार्ड लग रहा है, गमला उठाकर बॉडी बना रहा है ये। चल चल, जूस पिलाओ, लड़की पटाओ। प्रिया मैम, मैंने आपके लिए जूस बनाया अपने हाथों से। जूस है? हमने नहीं मंगवाया। इससे पहले किसी होटल में काम करते थे क्या? मंगवाने पर तो नौकर लाते हैं, अगर कोई दिल से लाए तो। समझ लो इंसान वैला है। आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, पर कम से कम प्रिया हंसी तो मैं खुश हूँ। प्रिया लो जूस पी लो। नहीं चाहिए। प्लीज पी लो। ओह गॉड, ऐसे काम नहीं बनने वाला। मैं बताता हूँ क्या करना है, तू वहाँ जाके बैठ जा। पर क्यों? तू जाना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चल जा। प्रिया मैम, एक आपकी टीम एक हमारी टीम, देखते हैं कौन जीतेगा। और हारने वाले जीतने वालों को पार्टी देंगे, यहाँ पर नहीं होटल में। ओके? अच्छा। या 4 लोग कैरम खेलते हैं, चेस 2 लोग खेलते हैं। ओहो, हो गई बेइज्जती। देखो मिस्टर नरसिम्हा। यस मिस्टर राजू। थोड़ा आगे आएंगे आप, बताइए क्या चाहिए आपको। चेस कितने लोग खेलते हैं। बेवकूफ कहीं का, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे इसका तो बहुत कुछ हो गया है। हेलो बिंदु मैम, हेलो मैडम। क्या किया इसके साथ भैया? क्या मिला तूने इसमें? पता क्या मिला? बॉडी बिल्डर भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। और मैंने क्या मिला इसमें? भी नहीं था भैया, जूस तो राजू लाया था, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो भैया। आपके डोलो की कसम, आपके शोलो की कसम, चाहो तो मैं आपको पहलवानी के लिए 2 बड़े बड़े कुंडे ला के दूंगा। कैसी लगी एक्टिंग? मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मस्ती कर लूं। हाय मारी जाऊं तो क्या ये एक्टिंग थी? ये भैया तो मुझे मार ही डालते, अब तो समझ में आ गया ना कि ये एक्टिंग थी। हमें जल्द से जल्द साबित करना होगा कि यहाँ कोई भूत नहीं, इनका डर दूर करना होगा। डैड, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। लोगों की इस तरह मदद करके जो खुशी मिलती है वो पब में पैसे उड़ाकर कहाँ मिलती है डैड। ये बिल्कुल आप पर गई है राजा रेड्डी जी। प्रिया यूएस कब जा रही हो? नेक्स्ट मंथ तक वीजा कंफर्म हो जाएगा अंकल। अच्छा अच्छा, चलो चले। अरे ए, रुकना, अरे मैं डायपर पहन के आता हूँ, मेरा जूजू निकल जाता है। जल्दी आना। हाँ अभी आया। बच गया। जान बचे। भले ही वो भूत को ढूंढ ले पर मुझे नहीं ढूंढ सकता। गुड नाइट। डोले शोले वाला।
जिमरी, अरे इस वक्त कौन जिम करता है यार? मसल से बढ़ाता रहेगा, थोड़ा दिमाग तो बढ़ा। ये सोफा टीवी के साथ कोई जिम करता है क्या? मैं बोल रहा हूँ और तुझे जिम की पड़ी है? तेरी तो अगर कोई मर जाए तो भी तू जिम ही करता रहेगा। जब भी मरेगा तो तेरी कब्र पर मैं डंबल्स चढ़ाऊंगा। हर रोज ठीक 12:30 बजे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं सर। लेट्स सी। अब रोज तो इसी टाइम पे आवाजें आती थी सर। कहा था ना ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अरे ये क्या, अभी तो 1 बजा है और बेल इतनी बार क्यों बज रही है? तुम डरी हुई हो इसलिए तुम्हें लग रहा है ये भी भूत ने किया है। घबरा क्यों रही हो तुम? क्या पता क्लॉक खराब हो गई हो। पहले अपने अंदर के डर को दूर करो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है ऊपर से आ रही है। बेडरूम में देखिए सर, बेड हिल रहा होगा। चल चल चल। मजा यार। देखिए सर, मैंने कहा था ना। सर मुझे लगता है आवाज ऊपर से आ रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो आओ। कोने में देखो। डैडी, मिल गया भूत। क्या हुआ बेटा, तुमने कहा तुम्हें भूत दिखा? भूत यहाँ है डैड। यहाँ पर ग्रामोफोन रखा है और ठीक इसके सामने दरवाजे में होल है। हवा की आवाज, बिल्ली की आवाज, किसी के कदमों की आवाज इस होल में से होकर माइक से टकराकर पूरे घर में गूंजने लगती है। That's the reason. तो फिर ये आवाजें सुबह भी आनी चाहिए ना? सुबह क्यों नहीं आती? हाँ, क्योंकि आप सुबह दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलने के बाद ये होल ग्रामोफोन से दूर हो जाता है, इसलिए आवाज नहीं आती, ना हवा ना आवाज। इस घर से भूत को भगाने के लिए ये होल बंद करके ग्रामोफोन को यहाँ से हटाना होगा। That's it. Good. इतना कहने पर भी ये नहीं मानी, अब यकीन हो गया ना? ए, इस डब्बे में जितनी घटिया घटिया आवाजें हैं सब डिलीट कर दे। अरे कुछ अच्छे गाने डालकर सुन यार, लाइफ में शांति तो रहेगी। भूत भूत लगा रखा है। तो फुटबॉल क्यों चल रही थी?
उसका भी पता चल जाएगा। चलो। इस कमरे की सारी चीजों को ध्यान से देखो। सोफा, इसके अंदर स्प्रिंग्स हैं, और ये चेयर, इसमें इलास्टिक, और ये वाली, इसके अंदर भी स्प्रिंग्स। इस कमरे की हर चीज में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अगर आप एक बार बॉल लेकर इसे फेंकेंगे तो स्प्रिंग्स की वजह से ये बॉल एक चीज से दूसरी चीज से टकराकर बार बार उछलती रहती है। असल वजह ये है, भूत नहीं। अब समझे? क्या हुआ, तुम्हारा डर अभी भी नहीं गया? नहीं, एक बार वहां देख लीजिए सर, उन दो पेड़ों के बीच में। वाओ, इंटरेस्टिंग। अरे दीदी, अब बता रही हो आप? ए हो, प्रिया, क्या तुम इसका कारण बता सकती हो? कैन यू एक्सप्लेन दैट फिनोमिनन? पता नहीं। नो, इट्स वेरी सिंपल हनी। कुछ पेड़ों की परछाई एक दूसरे में मिलकर एक्सीडेंटली कोई शेप बना लेती है जो हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में बादल यीशु और शिवलिंग के आकार में हमें दिखाई देते हैं। जैसे वहां कोई शिवलिंग और यीशु नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, ये बस एक परछाई है। Have a look. माइकल जैक्सन। और ये देखिए, यहां तो कोई भूत है ही नहीं। hey, ये क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि भूत होने चाहिए? हम यहाँ साबित कर रहे हैं कि भूत नहीं होते। तुम चाहते क्या हो? वही मैं बताता हूँ सर, एक प्रोफेसर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है साइंस वर्सेस घोस्ट, और जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और तब से ये कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहा है और मुझे भी फंसा कर रखा है। ओ, अब समझा। तो ये बात है, जब तुमने कहा कि तुम काम कर रहे हो तो मुझे लगा बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो ये काम कर रहे थे तुम? अरे कौन करता है ऐसे काम? जीजा जी, भूत होते हैं मुझे पता है, मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं और 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा और आपका बैंक लोन भी मैं चुकाऊंगा, ये वादा है मेरा। हाँ। वाह, क्या कमाल का टारगेट है। अगर तुमने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें 5 लाख दूंगी। सिर्फ 5 लाख ही क्यों बेटा, तुमने कर दिखाया तो 10 लाख मेरी तरफ से मिलेंगे। 5 करोड़ के साथ 15 लाख भी मेरे होंगे, ये भी सुन लो सब। चल चल जा, जा, जा के सो जा। क्या कॉन्फिडेंस है लड़के का। चलिए सर। अब चले सो जाए, या अभी इज्जत की धजियां उड़ानी बाकी है? लड़कियों के सामने इज्जत उतरवा दी मेरी। हाँ, जैसे नवाबों के घर पैदा हुआ ना तू, एक घुमा कल ठिकाने आ जाएगी। ए, बेड क्यों हिल रहा था ये अभी तक नहीं बताया उन्होंने? बेड को जो चीज हिला रही है वो पक्का भूत है। हाँ, तो तेरा मतलब बेड को भूत हिला रहा है? 100% भूत ही है। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मौसम बहुत अच्छा। देखो मैंने फोटो खींची, कितनी सुंदर लग रही है ना तुम, देखो ना। क्या तुम्हें फोटो अच्छी नहीं लगी? अरे वाह, इससे पहले स्टूडियो में काम करते थे? नहीं तो। चलो प्रिया, रुको तो। प्रिया, प्रिया, अच्छा तुम्हारा बर्थडे क्या है? पूछ तो ऐसे रहो जैसे कि बर्थडे में कार देने वाले हो। अच्छा जोक था, तुम जोक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? प्रिया एक मिनट बात तो सुनो। सुबह सुबह ये सरदर्द पीछे पड़ गया है, गॉड। प्रिया सुनो ना, मुझे अपना फोन नंबर तो दे दो। लिख लो। एक मिनट। 9 8 9 8 4 8 4 8 5 5। प्रिया प्रिया बात तो सुनो, ये तुमने आधा ही नंबर दिया है। आधा नंबर डैड से ले लो। वाह, खूबसूरती के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। बाकी के 5 डिजिट्स? यही 5 डिजिट्स दोबारा लगा लो, हो जाएंगे 10। इसकी तो जिम्मर कहाँ है, दिखा नहीं वो? सुबह से ही गायब है वो तो, कल शाम से बोल रहा था घर जाना है, शायद चला गया होगा। वो कभी नहीं सुधरने वाला,
हमेशा बिना बताए चला जाता है। अब सही है। तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना आता है। ये आवाज कैसी है और ये धूल? सर पास ही में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अक्सर उसी की आवाज आती रहती है। यही वजह है। मतलब? इसी वजह से बेड हिल रहा था। वो कैसे सर? क्योंकि जब मेट्रो का काम चलता है ना तो भारी भारी सामान जमीन पर गिरता है, जमीन में वाइब्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली बेड हिलता है। सिर्फ हिलता नहीं है, लगता है कोई लात मार रहा है। यस, यही तो मैं अभी कहने वाला था। जब इस घर की नींव खोदी गई होगी तो यहाँ के पत्थरों को अच्छे से बिछाया नहीं गया होगा, छोटे छोटे गैप्स रह गए होंगे और उन्हीं छोटे छोटे गैप्स की वजह से पत्थर हिलते हैं जिससे जमीन हिलती है, इसलिए ऑटोमेटिकली बेड भी हिलने लगता है। पर तुम्हें लगता है कि बेड के नीचे से जैसे कोई लात मार रहा है। पक्का ना सर? हाँ हाँ एग्जैक्टली। कुछ दिनों में बेड के नीचे की जमीन बैठ जाएगी और ऊपर एक दरार दिखने लगेगी, छोटा सा गड्ढा बन जाएगा, दैट्स इट। यही वजह है। सो ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। स्प्रिंग्स हटा दिए गए हैं तो फुटबॉल नहीं उछलेगी, होल बंद कर दिया है तो आवाज भी नहीं आएगी और वो लाश एक परछाई है। बेड तब तक हिलेगा जब तक मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाता। तो बोलो, अब तुम्हारा डर खत्म हो गया? तो अब हम जाएं? सर आप गलत बोल रहे हैं सर। रेडी सर? कंस्ट्रक्शन शुरू हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं पर वो बेड पूरे 1 महीने से हिल रहा है। तो बेड के हिलने का कंस्ट्रक्शन के काम से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा था कि वहां जो लाश दिख रही है वो परछाइयां हैं। परछाइयां बनने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए और बिना आधार के परछाई कहां से बनेगी? और वो लाश हमेशा दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर परछाई पेड़ों की वजह से बन रही है तो वो इतनी साफ क्यों दिखती है? लटकी हुई रस्सी, टांगे और हाथ, वो तो धुंधले दिखने चाहिए ना। शायद आपको ये बात नहीं पता है कि कोई असल में उस पेड़ पर लटक कर मरा था और उसी की आत्मा उस पेड़ पर लटकी हुई दिखती है। बेवकूफ हो तुम, पागल हो। भूत भूत कुछ नहीं होता। हो सकता है इसके पीछे मैंने जो कहा वो नहीं और कोई कारण होगा। इसका दिमाग खराब है जो बार बार बोल रहा है कि भूत होते हैं। ओके राजू, मैं दाद देता हूं कि तुमने बहुत सही सवाल पूछा है। हमने फुटबॉल के उछलने और आवाजों के सुनाई देने का कारण भी तो बताया था ना। वैसे ही हम ये भी पता लगा लेंगे कि परछाई क्यों दिख रही है और बेड क्यों हिल रहा है और उसके बाद ही हम इस घर से जाएंगे, ठीक है? हाँ। सुपरस्टिशियस फेलोस। मान गई, दिमाग तो है तुम में। है ना? थैंक यू। पीतमपुरा सुन। हाँ। एक इस दीवार पर टांग दो। हाँ। और दूसरी वहां। हाँ 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 ठीक है। अरे वो नहीं। हाँ? वो तार और ये वाली लगा। हाँ अच्छा। अब ओए, वो टेढ़ी क्यों लगाई है? सीधी करो उसे। ओए दीदी ने तुझे पानी डालने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल पौधे सूख जाएंगे बाहर। छिछोरा कहीं का। एक काम करते हैं, बेड हटा कर देखते हैं। उससे क्या होगा? हटा कर देखेंगे कि बेड जमीन के हिलने की वजह से हिल रहा है या बेड में ही कोई प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा। यू आर राइट सर। ए हीरो, बेड हटाओ जरा यहाँ से। ठीक है। गिरी, ये हम देख लेंगे, तुम जाओ और ये पता लगाओ कि पेड़ के ऊपर वो परछाई क्यों दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है सर, गो।
नो वाइब्रेशंस। बेड ने हिलना भी बंद कर दिया है। ओके, एक बार फिर बेड को उसी जगह रखकर देखें। हाँ रखो, करके देखो। खींचो। ये क्या है? पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जगह और बेड के बीच में कुछ तो लिंक जरूर है। हाँ कुछ तो है। ये आवाजें फिर से क्यों आ रही है? हमने वो होल भी बंद कर दिया और ग्रामोफोन भी हटा दिया। हमने स्प्रिंग्स भी हटा दिए थे ना सर। पक्का ये भूत ही कर रहा है। शट अप। एक काम करते हैं, चल कर देखते हैं। चलिए। जिमर का टैब यहां कैसे? हाँ?
अंकल बोलिए। यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो? गोपाल राव के यहाँ लंच पर जाना है, डैडी नहीं जा रहे, हम दोनों को जाना पड़ेगा, चलो चले। नहीं अंकल, आप जाइए। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। चलता हूँ बेटा। नहीं, मत जाइए। अरे अभी तो कहा था जाओ। आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जैसा तुम कहो। अंकल आप तो लंच के लिए बाहर जाने वाले थे, क्या हुआ? तुमने अभी तो मना किया था ना। मैंने मना किया? और गिरी अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके घर पर कोई जरूरी काम आ गया था तो कल रात ही वापस चला गया। और ये तुम्हें आधी रात को बच्चों की तरह झूला झूलने की क्या सूझी? मैं झूला झूल रही थी। लगता है बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश फील करोगी। टेक केयर। हेलो। हाय प्रिया, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ? ए मजाक मत करो, तुमने ही तो फोन करके कहा था कि जल्दी पहुंच जाओ। मैंने फोन किया? तुम आ जाओ जल्दी मुझसे, और कुछ मत पूछना। कल रात तक तुम यहाँ पहुंच जाओ कुछ भी करके। ये तो डर के मारे घर छोड़ना चाहती थी, आपके आने के बाद मान गई है। नमस्ते गुरुजी। आइए ना। ठीक है ना बेटी? आइए स्वामी जी। बैठिए ना बेटा। मैं ठीक हूँ, बैठो। बैठिए। काशी का सफर कैसा रहा गुरुजी? अच्छा रहा बेटी। मैं काशी से आते समय तुम्हारे लिए गंगा जल लेकर आया हूँ, और ये पूजा का कुमकुम और काशी का धागा। थैंक यू गुरुजी। हम आपको गृह प्रवेश के लिए आश्रम बुलाने गए थे, उन्होंने बताया कि आप यात्रा के लिए गए हैं काशी। ईश्वर हर हर। हे ईश्वर, इस घर में भूत है ना बेटा? जी गुरुजी, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग प्रजा चैतन्य वरिधि से आए हैं, ये साबित करने की भूत वूत कुछ नहीं होता। अब भूत को यहाँ से भगाने में कम से कम 1,00,000 के करीब खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना स्वामी? मैं सिर्फ भगवान की पूजा करता हूँ बेटी, काले जादू के बारे में मैं नहीं जानता, ऐसी शक्तियां मुझ में नहीं है बेटी। ओ, तो फिर आपका कोई गुरु होगा जो विंध्य पर्वत या हिमालय पर जाकर पूजा करेगा, जिसके लिए लगभग 5,00,000 का खर्चा करना पड़ेगा। सही कहा ना स्वामी? हे परमेश्वर, आपने कहा कि इस घर में भूत है? हाँ है, और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। स्वामी वो कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? हमें तो नहीं दिखा वो। भूत को देखने की ताकत उसी के अंदर है जिसकी मन की आंखें खुली होती हैं। तुम नहीं देख सकते। माना कि हम नहीं देख सकते, साइंस भी नहीं देख सकता? साइंस के पास सिर्फ 5 इंद्रियों का ज्ञान है, और इन इंद्रियों का आधार है हमारी आत्मा,
और इस आधार का ज्ञान अभी तक आपकी साइंस के पास नहीं है। बस कीजिए स्वामी, परमाणु को टूटते हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिवाइड होते हुए उनकी मूवमेंट देख सकती है साइंस। हमें स्पेस से पता चल जाता है कि मार्स पर पानी है या नहीं, और आप कह रहे हैं कि साइंस भूत को देख नहीं सकती। मन की आंखें तीसरी आंख जैसी कहानियां आखिर कब तक सुनाते रहेंगे आप? इस घर से कहीं दूर चली जाओ, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। तुम इस घर में मत रहो। मैं तो रह सकती हूँ। बोलो ना, मैं यही रहूं? तुम जाना भी चाहो तो भी नहीं जा सकती। अगर ये यहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकी जान जा सकती है। डर, एक कुर्सी दिखाओ और कहो कि अगर उस पर बैठोगे तो मर जाओगे, तो आम इंसान डर से बैठेगा ही नहीं। बैठने से क्या होता है ये देखने के बजाय वो बगल वाली कुर्सी पर बैठेगा। तुम्हारा तो धंधा है नक्षत्रों भूतों का सहारा लेकर लोगों के मन में डर बिठा देना। तुम में और चोरों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो छुरी का डर दिखाकर लूटते हैं और तुम भूतों से डराते हो, जबकि असल में भूत होते ही नहीं। ये बदकिस्मती है कि चोरों को सजा मिलती है और तुम जैसों को पूजा जाता है। प्लीज इनसे ऐसा मत कहिए, ये हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे तो आप यकीन कैसे करोगे? इनके झूठ को आप सच कैसे समझोगे? चलता हूं। गुरुजी, माफ कीजिएगा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इनकी कोई गलती नहीं, इनका कहना सही है। ये अपनी समझ से कह रहे हैं और मैं अपने ज्ञान से। बस सब खुश रहने चाहिए। अच्छा चलता हूँ। बेटी, क्या तुम्हें कभी कोई परछाई दिखाई दी है या कभी डर महसूस हुआ है? क्यों? मेरी एक बात मानो, कल सुबह तक सिर्फ एक दिन के लिए भोले शंकर के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करो। वो क्यों? मैं जो भी कहूंगा तुम समझोगी नहीं। अच्छा एक काम करोगी मेरे कहने पर? ये रुद्राक्ष अपने हाथ में रखकर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर शीशे के सामने बैठकर अपनी परछाई को 5 मिनट तक बिना पलक झपकते देखती रहना। क्या दिखेगा? देखोगी तो पता चल जाएगा। चलता हूं। स्वामी जी, स्वामी जी सुनिए। स्वामी जी, पक्का इस घर के अंदर भूत है ना? हाँ बेटा, इस घर में भूत है। भूत होते हैं ना स्वामी जी? हाँ बेटा। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। हाँ बेटा, इस घर में भूत है। हाँ बेटा, अगर मुझे 5 करोड़ मिले साहब जी, चाय पियोगे? इतना लुटे पुटे क्यों दिख रहे हो? अभी तक तो कब्रिस्तान में जाने के लिए वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। तू जा यार। ए सिमा, तू क्या करेगा अगर अचानक से तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए? ए बताना। अरे बताना। ए, मैं चिल्ला रहा हूँ कि बाल जल गए और तू उस पर तेल लगाने की बात कर रहा है। अरे बताना। ए, सबसे पहले मैं इस घर से भागूंगा, फिर 1 लाख उस यादव को दूंगा और तेरी तो शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा। 1 लाख यादव को देगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बचे हुए पैसे का क्या करेगा? उसके बाद ना, ए अगर सच में 1 करोड़ मिल गए ना, तो माँ के लिए बड़ी सी किराने की दुकान खोलूंगा। हा? और अपने भाई के लिए मंदिर के बाहर इडली का ठेला लगाऊंगा। हाँ। और सेकंड हैंड कार खरीद के पूरे शहर में घूमूंगा। ओए, तुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? हाँ। लोग अपना घर बंगला गाड़ी बनाने की बात करते हैं, पर तू तो भिखारी रहेगा। अगर मुझे 5 करोड़ मिले ना, ये ले लिख। चल बोल। SUV कार 30 लाख, डुप्लेक्स हाउस 1 करोड़, जीजा जी के बैंक लोन के 50 लाख और तेरे 50 लाख, टोटल कितना हुआ? 2 करोड़ 30 लाख। बाकी के 2 करोड़ 70 लाख का क्या करेंगे? क्या किया जाए? हाँ, बैंकॉक जाके मसाज करवाएंगे। उस ट्रैवल एजेंट मूर्ति को फोन करके पूछ। ले फोन कर। ये आपका उपलब्ध बैलेंस बहुत कम है, 10 रुपए का। क्या कह रहा है सत्यमूर्ति? पाने के लिए 1 दबाएं।
बैंकॉक जाने से पहले ना एक काम कर, इसमें बैलेंस डलवा दे 10 का, उसके बाद जाना। बड़ा आया बैंकॉक जाने वाला। प्रिया मुझे रिकॉर्ड सबमिट करने हैं तो मैं जा रही हूँ। आंटी। हाँ बोलो बेटा। जिमर का फोन नहीं लग रहा, उसे फोन दीजिए, कुछ बात करनी है। वो तुम्हारे साथ नहीं है, घर पर तो नहीं आया। क्या वो घर नहीं आया? नहीं बेटा। ठीक है आंटी। अच्छा प्रिया, जिमर घर वापस नहीं गया और यहाँ भी नहीं है। गिरी अंकल की बीवी ने भी फोन करके कहा कि उनसे बात करवा दो। गिरी अंकल सुबह से गायब है, वो घर भी नहीं पहुँचे और ना ही यहाँ है, और जिमर कल से गायब है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जल्दी जाकर पापा को बताना चाहिए, लगता है यही बेहतर रहेगा। मधु, मधु। सर ये मधु कौन है? अरे हमारी प्रिया। तो आप मधु क्यों बोल रहे हैं? उसका पूरा नाम मधु प्रिया है, कभी हम उसे मधु कभी उसे प्रिया बुलाते हैं। मधु, 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 प्रिया। हाँ? गाने सुन रही हो क्या? डैडी बुला रहे हैं। ओके। तुमने बताया नहीं तुम्हारा पूरा नाम मधुप्रिया है? प्रिया अच्छा था, मधु भी अच्छा है, पर मधुप्रिया तो लाजवाब है। बिंदु कहाँ है? बिंदु, उसने कहा था कि रिकॉर्ड सबमिट करना है, शायद चली गई होगी। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया। सिगरेट क्यों पी रहे हो? अकल नहीं है तुम्हें? प्रिया, 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 तुम्हारे अंदर भूत है प्रिया। तू आया है तू यहाँ, तू भी मरेगा, चला जा। दीदी, दीदी, प्रिया के अंदर भूत है। चुप कर, जब देखो बेकार की बातें करता रहता है। सच कह रहा हूं दीदी, प्रिया के अंदर भूत है। चुप कर। गुड जोक। सर मैं जोक नहीं कर रहा हूं। बड़े दिनों बाद हंसा हूं मैं इतना। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच बोल रहा हूं। अरे बस करो, पहले वो स्वामी आकर कह गया कि इस घर में भूत है, और उसकी बातों में आकर तुम कहानी बना रहे हो कि भूत मेरी बेटी के अंदर है। 5 करोड़ रुपयों के लिए इतना गिर गए तुम? छी,
मैं सच कह रहा हूँ। तुझे पता है वो मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर रुके हैं। आप चल कर देखिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। उनके जाने के बाद तुम आराम से भूत भूत पकड़ना। अब जाओ एक बार जाओ यहाँ से। आपको सच लगाना, आपको सच लगाना दीदी, आपको भी सच लगाना। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। आपने मान लिया ये क्या? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, ये जुलाई है, जुलाई 26। अच्छा जुलाई 26 है, पागल हो गया है ये। तो मेरे रूम में 1 अप्रैल क्यों दिख रहा है? अच्छा जुलाई 26। ए हां 26 पागल हो गया पूरा। अरे यार कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि प्रिया के अंदर भूत है। मेरे अलावा कोई तुझ पर यकीन नहीं करेगा। थैंक्स यार। और आज के बाद मैं भी तुझ पर यकीन नहीं करूंगा। थू! प्रिया के अंदर भूत है। बड़ा आया। अच्छा है ना ये फोटो? मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है बेटी। ओम नमः शिवाय। हेलो। हेलो स्वामी जी। स्वामी जी मैं राजू बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। प्रिया, प्रिया में भूत है। जानता हूँ बेटा। आप कुछ कीजिए ना स्वामी जी। मुझ में भूत को रोकने की शक्ति नहीं है बेटा। शक्ति नहीं है तो कोई रास्ता तो होगा ना स्वामी जी? अगर पता होता तो जरूर बताता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो भूत उसकी जान लिए बिना उसके शरीर से नहीं जाएगा। अगर काशी धागा उसके हाथ पर बांधो तो फायदा होगा ना स्वामी जी? ये तो बस इंसान का भगवान शिव पर विश्वास है, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। ए भोले शंकर, प्रिया की रक्षा करना। ए ये सब क्या कर रहा है तू? प्रिया के ऊपर भूत का साया है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। ए बस कर यार, और कितना झूठ बोलेगा, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल यार। मैं सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा सच बोल रहा है, तो हम यहाँ भूत के साथ क्या कर रहे हैं? चलना चलते हैं। हमें उसे हर हाल में बचाना होगा। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि प्रिया के अंदर भूत है? देख जब स्वामी जी ने कहा इस घर के अंदर भूत है तो मैं बड़ा खुश था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, पर अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि भूत प्रिया के अंदर है। तो मिस्टर राजू तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये कहते हुए कि मेरे अंदर भूत है? प्रिया पैसों के लिए इतना गिर जाओगे? प्रिया माना मैं मौके का फायदा उठाता हूँ, पर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ प्रिया। वाह डायलॉग बाजी में तो नंबर वन हो। प्रिया एक बात सुनो। प्रिया एक मिनट, ये काशी धागा बांध लो तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या बकवास है ये काशी धागा, पागल। प्रिया 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 एक मिनट एक मिनट, इसे काशी धागा मत समझो, फ्रेंडशिप बैंड समझ कर बांध लो ठीक है? तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? चला जा यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा। चला जा। हेलो। हाँ ये तुम्हारे दोस्त ने काशी धागे की क्या रट लगाई हुई है, पागल है क्या? इससे कहो कि ये बचपना छोड़ दे। बेवकूफ। भूत। हाय बेटा। हाय डैडी।
ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? सर प्रिया आपको मारने वाली थी सर। क्या, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब प्रिया के अंदर का भूत आपको मारने वाला था सर। मैं और डैडी को मारने वाली थी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या, क्या हुआ? हमने चीख सुनी, प्रिया मुझे मारने की कोशिश कर रही है कह रहा है। जी जी सच में मैंने देखा प्रिया इन्हें मारने वाली थी। दीदी मैंने स्वामी जी को अभी भी फोन किया था, उन्होंने कहा कि प्रिया में। ओते बाबू अब क्या चाहते हैं, हम चले जाएं यहां से? क्या बकवास है ये सब? ए, चलो तुम बाहर जाओ। जी जी मैं सच कह रहा हूँ। शट योर ब्लडी माउथ, मैंने कहा ना जाओ यहां से, तुम जाते हो कि नहीं? एक मिनट रुकिए जी, याद है सुबह जब मैंने काशी धागा बांधा था तो मैं भूत आया था? एक मिनट रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। दीदी जीजा जी सर अब देखिए काशी धागा बांधते ही कैसे भूत आता है। दीदी देखना सुबह बांधते ही भूत आ गया था इसके अंदर। कुछ नहीं हुआ अब? सर अब नरसिम्हा से पूछ लीजिए, उसने भी देखा था सर, धागा बांधते ही भूत आया था। हद हो गई। ए, जी बस करो चलो जाओ यहां से। चलो जी चलो जी, मेरी बात सुनिए। जाओ। सॉरी सर, दिमाग खराब हो गया है इसका, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। He seems to be bloody mentally sick. अच्छा होगा उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। ए, गए नहीं? अब भी यही हो, मानोगे नहीं? प्रिया मेरे साथ चलो ना, प्रिया प्लीज मेरे साथ चलो, चलो ना कहां? हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज चलो ना। पर कहां? पास में एक दरगाह है, मेरे साथ वहां चलो ना, चलो ना प्रिया प्लीज। दरगाह, स्वामी जी, ये काशी धागा। प्रिया 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 तुम्हारी बकवास बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे ये, मैं इसे अभी उतार दूँगी। नहीं नहीं चाहिए मुझे ये काशी धागा, नहीं। समझ नहीं आता तुम्हें, कब से समझा रहा हूँ मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो, नहीं प्रिया चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। प्रिया प्रिया छोड़ो मुझे, छोड़ इसे। सर सर मैं इसे कब से समझा रहा हूँ, इसे खेल रहा हूँ, मेरे साथ चलने के लिए चलो। देखो क्या खराब हो गया, प्रिया मेरे साथ चलो, प्रिया क्या समझ रहा है, वो कर रहा है। प्रिया मेरे साथ चलो, मैं सच कह रहा हूँ। प्रिया 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 मान जाओ मेरी बात, प्रिया दिमाग खराब हो गया इसका। प्रिया से रस्सियों से बात कर, मेरा बात कर दो, मारो यहां से। दिमाग खराब हो गया, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ। मैं क्या हो गया उसे? टाइम क्या हुआ है? 9:30। साढ़े बारह बजने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। आज हम हर चीज की वजह ढूंढ लेंगे, तुम कोई टेंशन मत लो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, समझ गई? ये प्रिया कहाँ है? अपने कमरे में है। सपना अंदर से मेरा लैपटॉप ले आना प्लीज। क्या हो गया, ऐसा क्या कर रही है? क्या हुआ तुम्हें? रिलैक्स। क्या हुआ? वहाँ पर भूत है। What happened? मैं सच कह रही हूँ। सपना प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अंधेरे में कोई परछाई देखी होगी इसलिए डर गई शायद। मानते क्यों नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने भूत देखा। रिलैक्स हो जाओ। वैसे हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ कूल डाउन। सपना कूल डाउन। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर ओके मुझे यहाँ नहीं रहना। ओके ठीक है रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। तुम ज्यादा सोचो मत उदय, सपना डर गई है। तुम्हारे अंकल का घर पास ही में है ना, जाओ इसे वहाँ छोड़ कर आओ। जाओ सपना चलो सर, हम लोग नहीं
आप लोग भी चलिए। ओके हम सब चलेंगे। ओके कह रहा हूँ सब चलेंगे। तुम चलो तो सही। चलो सब चलेंगे जाओ। हमें आए हुए 3 दिन हो गए, अभी तक वजह नहीं ढूंढ पाए हैं हम। ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। हाँ बोलो किरण। मैं बस स्टैंड पर हूँ, यहाँ से बताइए कैसे आना है अंकल। रास्ता बताऊंगा तो उलझ जाओगे, तुम वहीं रुको, मैं कार लेके आता हूँ। ओके ओके। कार की चाबी ऊपर मधु के रूम में। ओके मैं किरण को लेके आता हूँ। प्रिया कार की चाबी दो, किरण आ गया है, उसे लेके आता हूं। आ गया वो? हाँ। ये क्या बचपना है, पागल हो क्या? कार की चाबी कहाँ है? वहां पर। हाँ। ये रुद्राक्ष अपने हाथ में रखकर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर शीशे के सामने बैठकर अपनी परछाई को 5 मिनट तक बिना पलक झपकते देखती रहना। टांगे काट दी ना? हाँ टांगे काट दी, अब गर्दन भी काट दे। एक्सक्यूज मी सर, दिस इज कॉफी डे। सर अल्कोहल इज नॉट अलाउड सर। सर अल्कोहल इज नॉट अलाउड हियर सर। सर प्लीज। ए, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? क्या ये? क्या ये? सर, दफर ये कॉफी डे है। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर प्लीज जाने दीजिए सर। सर निकल जाओ यहाँ। सॉरी सर। चलो हे। नो नो स्टॉप हे। नो नो हे चलो नहीं पकड़ रही हो, छोड़ो हे अब मत। ए सॉरी हे गो गो गो। Hey.
love this song. Hey. ये क्या कर रहे हो? सर 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 प्लीज सॉरी सर सर भाई भाई जाओ ना भाई मैडम इनको कुछ बोलो ना प्लीज सर भाई भाई जाओ ना प्लीज ये बहुत बड़ा साइको है सर इसके माँ बाप भी इससे तंग आ गए हैं जब भी इस पर कोई गुस्सा करता है ना तब ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है ये अपने आपे से बाहर हो जाता है इसलिए इनको संभालने के लिए हमको नौकरी पर रखा है पता है आपको सर सर वैसे तो बॉडीगार्ड अपने बॉस की जान बचाते हैं पर हमें अपने बॉस से पब्लिक की जान बचानी पड़ती है सर प्लीज सर सर प्लीज सर समझिए सर सॉरी मैडम प्लीज सर प्लीज सर खूनी है और उसने मेरी बेटी का रेप करने की कोशिश की है और फिर भी आप उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए क्या मतलब समझूं मैं इसका सर हम क्या करें हर रोज यही तो होता है अरेस्ट करते ही ऊपर से फोन आने शुरू हो जाते हैं मिनिस्टर का प्रेशर आ जाता है ऊपर तक पहुंचे उनकी अब देखिए हमारा नाम है तब ये हालत है तो आम इंसान का क्या हाल होता होगा सर इसका एक सॉल्यूशन है मेरा प्लान काम कर गया तो वो पक्का अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसे पकड़ना है इसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया पता है छोड़ो मुझे चलो नहीं जा रहे हो नहीं मारो उसको एक लड़की को छेड़ता है हाय प्रिया मैं आ गया आ गए तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी हा? चलो किरण हाँ सर प्रिया ठीक तो है ना दो दिन से सोई नहीं है इसलिए ऐसी हालत है देखो किरण बेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है जमीन में भी कंपन नहीं है ये कैसे हो सकता है प्रिया ये क्या हुआ सर क्या हुआ सर क्या हुआ सर सॉरी प्रिया जी डैडी तुम क्या हुआ सर तुम अभी मैं अभी क्या तुम ठीक हो ना या आई एम परफेक्टली फाइन थैंक गुडनेस ओके स्वीट हार्ट क्या बात है सर आप इतनी टेंशन में क्यों हैं कुछ नहीं
किरण, इस घर में चीखें भी सुनाई देती हैं। चलो बाहर आओ। अंदर क्या कर रहे हो? प्रिया, 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 क्या हुआ बेटा? मार डालूंगा तुम्हें। प्रिया, ये कर क्या रही है? क्या कर रही है? प्रिया, 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 क्या हुआ डैडी? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्रिया, प्रिया, सर, ये क्या हो गया? प्रिया, आपको क्या? प्रिया, प्रिया, तुमने रोका इसे? इसे मेरा नहीं होने दियो। अब मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। Daddy! Pia! Pia!
प्रिया 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 खुद को संभालो प्रिया। अरे सुनो तो प्रिया 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 शांत हो जाओ प्रिया प्रिया संभालो अपने आप को। इसकी जड़ कहाँ है कहाँ है कहाँ है। प्रॉब्लम सॉल्व। ये रस्सी झूले के लिए एकदम सही है। फोन सपना मैंने नहीं किया। हमने तो कोई फोन नहीं किया। हेलो मिस्टर राजा रेड्डी, हमारे घर में एक भूत है, आप यहां आ जाइए। चलो इस रस्सी को चला दो। प्रिया संभालो, क्या हो रहा है ये? अरे प्रिया संभालो, प्रिया प्रिया मार डालूंगा तुझे। मत इसे, क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। तुम मुझसे मिलने आई हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक्स। बाय द वे, तुमने किसी से प्यार किया है? पागल हो, मुझसे कौन प्यार करेगा? क्यों, अच्छे तो दिखते हो और साथ ही अच्छे इंसान भी हो। शादी कब करोगे? पहले 1 करोड़ कमा लूं, उसके बाद शादी करूंगा। अभी तक 1 करोड़ का भूत उतरा नहीं? देख लेना, एक न एक दिन 1 करोड़ जरूर कमाऊंगा, फिर पता चलेगा कि मैं कितना ग्रेट हूं।